नवरात्र पर हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, इन नेताओं को मिल सकती है जगह। बीते कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो रखी हैं। इस बीच चर्चा है कि नवरात्र के मौके पर योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार सामान्य तौर पर ही होगा। हालांकि योगी कैबिनेट में दो नए नेताओं को जगह मिलना तय माना जा रहा है। अब ये दो नए नेता कौन हैं? कहीं दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर तो नहीं? वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल घोषी उपचुनाव से पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में शामिल हो गए थे। वहीं दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। तभी से ही इन दोनों नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इन दोनों के बीजेपी से जुड़ने के बाद से ही कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। समय समय पर ओपी राजभर को ये कहते देखा भी गया है कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन घोषी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद लगातार ये सवाल बना हुआ है कि क्या राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट विस्तार में जगह मिलेगी या नहीं। क्योंकि घोषी उपचुनाव में मिली हार के बाद समीकरण बदलता नजर आ रहा था। ओम प्रकाश राजभर लगातार मंत्री बनाए जाने का दावा करते आ रहे थे, लेकिन दारा सिंह चौहान को घोषी उपचुनाव में मिली हार के बाद इस दावे पर संशय के बादल छाने लग गए थे। इसके बाद दारा सिंह चौहान ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात भी की थी। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये तय माना जा रहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो दिल्ली से भाजपा हाईकमान ने यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं भाजपा यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़वा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन सकते हैं। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कई और चेहरों के शामिल होने को लेकर भी चर्चा है। वहीं कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी। कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो वहीं असीम अरुण को इटावा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उधर मंत्री जयवीर सिंह के नाम की चर्चा फिरोजाबाद सीट से हो रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ मंत्रियों की कार्यशैली से सीएम योगी खुश नहीं है। जो खबर मिल रही है उसे सुनकर राजभर और दारा सिंह चौहान का चेहरा जरूर खिल सकता है। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यूपी को लेकर पार्टी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है, जिसकी एक झलक मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के दौरान भी देखने को मिली, जिसने कई सांसदों की नींद उड़ा दी।